जब नीतीश कुमार जी ने जब धक्के मार के जीतनराम मांझी को निकलवा दिया था मुख्यमंत्री के पद से, वो का समय भूल गई है लोग। मैं फिर से कहूँगा कि महत्वाकांक्षा, वो भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि अपनी बेइज्जती भी लोगों को याद नहीं रहता है। स्वर्गीय रामविलास जी का जो तस्वीर था मकान में जो रखे हुए थे अपने फ्लैट में, उस तस्वीर को तोड़कर इस रोड पर लुटका दी, इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकता है? और उसके बाद बीजेपी मिलने जाते थे ये लोग, मांस अभिमान बेचने का पहले से भी आदि है, आज भी तैयार हैं। जब नीतीश कुमार जी ने जब धक्के मार के जीतनराम मांझी को निकलवा दिया था मुख्यमंत्री के पद से, वो का समय भूल गई है लोग। मैं फिर से कहूँगा कि महत्वाकांक्षा, वो भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि अपनी बेइज्जती भी लोगों को याद नहीं रहता है। चिराग पासवान को बुला रहे हैं, देखिए किसी को बुला ले, हिजड़ों को फौज ले जाने के बाद कोई लेकर चलने के पर कोई पहलवान नहीं हो जाता है। हम के प्रवक्ता भाई कह रहे थे भाई कि हर पिता चाहता है कि पुत्र उनका आगे बढ़े, तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एक महा ठगबंधन में रह के, मैं इसको ठगबंधन ही कहता हूँ, रह के आप ऐसी बात करेंगे तो आप सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, ये NDA गठबंधन वालों को पेट में दर्द हो रहा है कि नीतीश कुमार इधर आ गए हैं, और NDA के पेट में अगर दर्द होता तो नीतीश कुमार जी जो 17 साल से उसमें थे तो उसमें मलाई क्यों काट रहे थे? 43 सीट ला के मुख्यमंत्री बन गए हैं, शर्म आया था उनको? अब मांझी जी की बात कर लें, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मांझी जी की क्या जनाधार है, कितना सीट आया, किसके बदौलत आया है, तो ये सब जाने। तो कोई जनाधार नहीं है मांझी जी का भाई। मुझे तो याद है कि 2015 में, हाँ 15 में शायद उन्होंने 20-22 सीट पर लड़ा था, अपना एक सीट हार गए थे, मात्र एक सीट जीत पाए थे। तो जब तक कि बेटा के मुख्यमंत्री बनाने चले भाई, हमने कहा ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कौन चिराग को लावे, जिनको लावे, उससे कोई अंतर बिहार का नहीं पड़ता है। बिहार के गठबंधन जिस प्रकार मजबूत है, इन लोगों को एक सीट बोहनी यहाँ 24 में नहीं होने दे। बरसाती मेढक देखते हैं कि बड़ा बड़ा हो जाता है, टाएँ टाएँ करता है, उसी प्रकार बरसाती मेढक की तरह उपेंद्र कुशवाहा हो या सुधाकर जी कर रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री को इन्होंने कनगोजर बोल दिया है, अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलें? उन्होंने कहा ना, एक कनगोजर का एक टांग टूटने से कनगोजर लंगड़ा नहीं हो जाता है, तो भाई इनके घटक दल इनको कनगोजर बोल रहे हैं, तो हम लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। जिस तरह से बिहार में राजनीतिक माहौल बन चुका है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बयानबाजी होते रहा है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा अलग ही रूठे हुए हैं नीतीश कुमार से कि भाई यहाँ कोई उत्तराधिकार नहीं था आपका, कि जो तेजस्वी यादव को ही मना रहे हैं, ये अलग ही रूठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है क्या जदयू खेमे में ऐसे कोई लोग नहीं है। इधर आपके पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अलग रूठे हुए हैं, ये तो लगातार तीर बरसा रहे हैं नीतीश कुमार पे। और ऐसे में एक बयान आता है जीतनराम मांझी का कि क्या हमारा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आज चलिए इसी मुद्दे पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ विजय यादव जी जुड़े हुए हैं, जो कि जीतनराम मांझी यानी कि हम के प्रवक्ता हैं। और इधर लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी जीतनराम मांझी तो खुलेआम जिस तरह से बयान दे रहे हैं, लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और ये सुधाकर सिंह के तरह वो बोल रहे हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखिए ना, देखिए आप लोग ये शंका है कि वो बयान दे रहे हैं, पहले चीज जानिए कि हम लोग महागठबंधन में हैं, अगठबंधन में एक हैं। रहा बयान की बात, तो हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र आगे बढ़े। हम लोग गरीब संपर्क यात्रा नवादा के कौआ कोल से निकाले हैं, अरे 22 तारीख तक चलेगा, और गरीबों का कल्याण हेतु हम लोग निकले हैं। हमने कहा है, हमारे श्री मांझी जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, या उनके पदाधिकारीगण जो हैं गरीबों को विकास के लिए उनके यहाँ नहीं पहुँचा सके हैं बात को, तो हम उस बात को लेकर चले हैं। उसी दरमियान उन्होंने कहा कि देखिए, इस गरीब को कल्याण करने के लिए, इस दलितों को कल्याण करने के लिए, पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को कल्याण करने के लिए, यदि आने वाला समय में मेरा भी बेटा यदि मुख्यमंत्री बनता है, तो आप लोगों का मैं उत्थान करने का काम करूंगा।
उन्होंने गलत कहा था। पढ़ा लिखा है, लेकिन ये बयान पहले नहीं आ रहा था जब तेजस्वी यादव के साथ मिल गए, यानी कि पढ़ा लिखा है मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी कि तेजस्वी यादव पे तीर छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं किसी पर तीर पर हमारे नेता नहीं छोड़ रहे हैं, ये आप लोग का भ्रम है। उन्होंने जनता के बीच कहा है कि मैं तुम्हारा कल आजादी के 75 साल हो गए लेकिन आज भी गरीबों का कल्याण नहीं हो सका है। मेरा एक ही पार्टी का नारा है कि बिहार के गरीबों एक हो, देश के गरीबों एक हो, उसमें न कि उसमें उस गरीब में हमारे स्वर्ण जाति के भी लोग आते हैं जितने सारे। ए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ का एड़ी चोटी लगा देते कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप मेरे क्षेत्र में जमुई नहीं जाएंगे तो मैं चुनाव नहीं जीतूँगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन था कि चुनाव जीत। अब तो इन लोग को पता चल जाएगा जब आने वाला समय जो है 24 या 25 जिस प्रकार महागठबंधन हम लोगों का बना है, ये लोग को धूल चटवा देंगे बिहार में। बिहार के जनता भी चाह रही है कि लोगों को धूल चटवा देना है। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में NDA गठबंधन को नेता विहीन कर दिया है। इनके यहाँ कोई नेता ही नहीं है कि जो बिहार में नेतृत्व करा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामना कोई कर सके। इसलिए तो चिराग पासवान को बुला रहे हैं, चिराग पासवान को बुला रहे हैं। देखिए किसी को बुला ले, हिजड़ों को फौज ले जाने के बाद कोई लेकर चलने के पर कोई पहलवान नहीं हो जाता है, एक देहाती कहावत है। इसलिए चिराग को लावे, जिनको लावे, उससे कोई अंतर बिहार का नहीं पड़ता है। बिहार के गठबंधन जिस प्रकार मजबूत है, इन लोगों को एक सीट बोहनी यहाँ 24 में नहीं होने दे। कह रहे हैं कि गठबंधन आगे बढ़ेगा, गठबंधन की अगर बात करें तो इधर सुधाकर सिंह और ये आपके उपेंद्र कुशवाहा, ये तो पूरा बगावत बने हुए हैं। सुधाकर सिंह तो साफ तौर पे कह दिए हैं कि नीतीश कुमार जी देखिए 17 साल से तो आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, अगर जनता आपको प्रेम करती है तो थोड़ा चुनाव लड़के दिखा दीजिए। काहे ना सुधाकर सिंह गद्दे से उतार दे रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी को। अरे देखिए बरसाती मेढक देखते हैं कि बड़ा बड़ा हो जाता है, टाए टाए करता है, उसी प्रकार बरसाती मेढक की तरह उपेंद्र कुशवाहा हो या सुधाकर जी कर रहे हैं। इनको पता नहीं है इन्हीं के रहमो करम पर अभी बचे हुए हैं और इन पर कार्रवाई भी होने जा रही है और ये चाहते हैं कि हम पर कार्रवाई नहीं हो लेकिन कार्रवाई भी होगी। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को नेता नहीं मानना चाह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव को। अरे भैया नहीं मानने से, इन लोग को मानने न मानने से क्या बने। 13 करोड़ जनता, जब 13 करोड़ जनता माननीय नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव को नेता मान रहा है तो ये छुट भैये लोगों को कौन पूछता है। देखिए कनगोजर के एक टांग टूटने से कनगोजर लांगर नहीं हो जाता है, ऐसे ऐसे लोग दल से हट जाएंगे, भचर भचर करेंगे, उससे महागठबंधन का कोई असर नहीं पड़ता है। आपको क्या लग रहा है जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान के ऊपर कि ऐसे सेना है इनका? भाई मुख्यमंत्री को इन्होंने कनगोजर बोल दिया है, अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। इन्होंने कहा ना कनगोजर का एक टांग टूटने से कनगोजर लंगड़ा नहीं हो जाता है, तो भाई इनके घटक दल इनको कनगोजर बोल रहे हैं तो हम लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तक बात रही है चिराग पासवान के व्यक्तित्व का, 3 उपचुनाव में हमने दिखा दिया है, कुड़नी हो, गोपालगंज हो या आपका मोकामा हो, ठीक है। नीतीश कुमार की क्या स्थिति थी हम जानते हैं, अपना वोट तो ट्रांसफ़र करवा नहीं सकते हैं। जितने सारे गरीब उसके उत्थान की मैं बात कर रहा हूँ, उसी दरमियान उन्होंने कहा है, नवादा में भी कहा है, जहानाबाद में भी कहा है, अरवल में भी कहा है, औरंगाबाद में भी कहे हैं कि मेरा भी बेटा पढ़ा लिखा है, डॉक्टरेट है, गरीबों के बीच रहा है, हम जिस गरीब तबके से आते हैं। गठबंधन में आके ये भी तो वो कह सकते थे कि भाई तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे तो आप लोग का उधार हो जाएगा, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या विनीत जी आप क्या कहते हैं, आपको नहीं लग रहा है खुले तौर पे एकदम? भाई ये अब इससे विरोधाभास वाली बात क्या हो सकती है, आपको भी लग रहा है? जी एक गठबंधन में रह रहे हैं और उनका सीधे तन जो है तेजस्वी यादव जी पे है, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपको ये होगा, वो तो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। भाई वो भी गरीब तबके से आते हैं, वो भी गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के बच्चे हैं, बेटे हैं। उसके बाद ये कहना कि भाई मेरा बेटा भी नेट क्वालिफाइड है, प्रोफेसर है, तो वो क्यों नहीं बन सकता है? तो जैसे कि हमारे हम के प्रवक्ता भाई कह रहे थे भाई कि हर पिता चाहता है कि पुत्र उनका आगे बढ़े, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन एक महाठगबंधन में रह के, मैं इसको ठगबंधन ही कहता हूँ, रह के आप ऐसी बात करेंगे तो आप सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहली बार मांझी जी नहीं कहा है, मांझी जी ने शराबबंदी पे भी कहा था कि भाई 8 बजे के बाद थोड़ा लिटिल लिटिल एक आध पे एक चलना चाहिए। तो हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता मांझी जी को कितनी गंभीरता से लेती है।
रह रहे कुछ ऐसा सिगुफा छेड़ देते हैं वो, जैसे ब्राह्मणों के बारे में कुछ बोल दिया, तो उनको गंभीरता से लोग लेता नहीं है, लेकिन इस बात में दम तो बिल्कुल है। अब जहाँ तक बात आती है सरकार के काम की, तो वो तो जनता जो है अपने मापदंडों पे कसेगी, लेकिन जहाँ तक आप मुझसे पूछिएगा तो बिहार जो नीति आयोग के मानकों में पिछड़ा हुआ है, कृषि के मामले में ले लीजिए, ये यूरिया की किल्लत है, पर व्यक्ति किसान जो आय है वो सबसे कम है, स्वास्थ्य सेवा की बात कर लें आप रोजगार की बात कर लें, सड़क पर आए दिन विद्यार्थी पीटे जाते हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो वहाँ पे तो बिहार की तो बद पिटी रही है ना। और मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी हैं और साथ में मांझी जी गठबंधन में हैं जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये दोनों मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन ज़्यादा बेहतर रहेंगे, जीतनराम मांझी जी के बेटे रहेंगे कि तेजस्वी यादव, इधर उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, ये कयासों का चीज़ है भाई। बिहार की जनता ने हर किसी को अजमा लिया है, क्या कांग्रेस, क्या राजद, क्या जदयू, मांझी जी भी थे, ठीक है। अब बिहार की जनता चाहती है एक नए चेहरे को मौका देने के लिए, जिसके अंदर बिहार और बिहारियत जिंदा हो, जो कि बिहार को आगे ले चलने की बात कर रहा हो। तो तेजस्वी बने या जीतनराम मांझी बने, मुझे लगता है कि बिहार का कल्याण इन लोग से नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि इन लोग के पास कोई विजन नहीं है आगे बढ़ने का। सही में आप लोग का कोई विजन नहीं है, आप लोग से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। देखिए ना, ये NDA गठबंधन वालों को पेट में दर्द हो रहा है कि नीतीश कुमार इधर आ गए हैं। अरे भैया, नीतीश कुमार जी जो आए हैं तो बिहार के विकास की बात करता है, यूरिया की जहां बात करते हैं तो सेंटर से तो यूरिया लोग दे नहीं रहे हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए, जनता के बीच माफ़ी मांगना चाहिए कि इनके नेता ने कहा था इस पिछले चुनाव में कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, 15 लाख गरीबों के खाते में मैं डालने का काम करूँगा। कहाँ गया? परेशानी ये है, पहले तो देखिए मैं NDA गठबंधन में हूँ नहीं, समर्थन तो नहीं, मेरी बात सुनिए। बात ये है कि 15 लाख बिहार की जनता, खास करके ऐसे लोगों के कारण जो नेता हैं, फ्री के ही खाने की आदत पड़ गई है, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक यूरिया की बात हो रही है, सरकार ने रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजा है और यहाँ के कृषि मंत्री, जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत जी, कहते हैं कि हम ब्लैक मार्केटियर पर छापा मारेंगे। इसका मतलब कि सरकार के नुमाइंदे और ब्लैक मार्केटियर में सांठगांठ है, अनैतिक मेल है, तभी तो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अब जहरीली शराब की बात कर ले, यूरिया घोटाला की बात कर ले, हर जगह बिहार में बिना पैसे का कुछ नहीं हो सकता है, इसका दोषी कौन होगा? और NDA के पेट में अगर दर्द होता तो नीतीश कुमार जी जो 17 साल से उसमें थे तो उसमें मलाई क्यों काट रहे थे? 43 सीट ला के मुख्यमंत्री बन गए हैं, शर्म आया था उनको? ना जनादेश था, ना जनाधार था। हाँ, अब मांझी जी की बात कर लें, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मांझी जी की क्या जनाधार है, कितना सीट आया, किसके बदौलत आया है, तो ये सब जाने। तो कोई जनाधार नहीं है मांझी जी का भाई। मुझे तो याद है कि 2015 में, हाँ 15 में शायद उन्होंने 20-22 सीट पर लड़ा था, अपना 1 सीट हार गए थे, मात्र 1 सीट जीत पाए थे। तो जब तक कि बेटा के मुख्यमंत्री बनाने चले भाई, हमने कहा ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कौन पता नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे हर आदमी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात कर रहा है, कोई ये बात कह रहा है कि बिहार का कागज लेके जाएंगे हम? कार्रवाई का इंतजार तो हम लोग भी कर रहे हैं, उनका रिप्लाई दिए हुए, उत्तर दिए हुए 10 दिन बीत गया, कब करेंगे? ये बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव को मालूम है कि पलटू राम जी कभी स्थिर नहीं हो सकते। कारण यही है कि वो नहीं चाहते अपने नेताओं को बर्खास्त करें, और कभी नहीं होगा। वरना जब नीतीश कुमार जी BJP में थे तो एक शब्द BJP से आता था तो व्हिप जारी हो जाता था, धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ से भाग के यहाँ चले आते थे। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए, और चिराग पासवान का क्या व्यक्तित्व है, 25 लाख वोट, 6% वोट, अपना बताएं कि हमको कितना प्रतिशत वोट आया था, कितना प्रतिशत वोट आया था हमसे पूछिए ना, हम बताते हैं 1.25%। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मेरा वोट जितना आया है चिराग जी को सोचना पड़ेगा, समझे ना, 3% मेरा वोट था, इन लोग को सोचना पड़ेगा। 7 सीट में 5 सीट हम लोग चुनाव जीतने का काम किया, सोच सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जो श्री जीतनराम मांझी थे, बिहार में जब मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार को भी चमकाने का काम किए थे, और जिस दिन
फिर यदि उनको मौका मिलता, आने वाला जनता यदि मौका देती है, बिहार को चमका देने का काम करेंगे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी तो एक काम किए हैं एनडीए गठबंधन में रहकर कि बिहार को नेशनाबून कर दिए, नेताविहीन कर दिए एनडीए गठबंधन को, कि ना कोई नेता रहेगा ना कभी कभी लड़ाई लड़ने आवेंगे। और सेंट्रल की बात है तो हम लोग सेंट्रल में भी कांग्रेस से बात कर रहे हैं, जिस दिन एक हो जाएंगे तो 100 सीटों पर लोग सिमट जाएंगे। जिस कदर महंगाई देश में बढ़ी है, जनता उब चुकी है। देखिए, चिराग पासवान को बीजेपी बुलाई है, जेट सुरक्षा भी दे रही है, कहीं ना कहीं लॉलीपॉप तो धराया ही जा रहा है। हाँ, तो इन लोग को तो लॉलीपॉप मिलेगा ही, कभी भटका दो कभी फिर लॉलीपॉप। देखिए, मंत्रिमंडल में भी सुन रहे हैं कि कुछ सही पोस्ट वगैरह मिलने वाला है। अच्छी बात है, खुशी की बात है, मिल जाए अच्छी बात है, उसमें हमको क्या दो सोचता था। एनडीए गठबंधन में है ही है, जाने के लिए ललाई थे हैं, जा ही रहे हैं, करीब करीब चल ही गए हैं, तो यदि मंत्री बन जाते हैं स्वागत है। लेकिन रहा बिहार की जनता और देश की जनता की बात है, जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे बिहार की तरह, ये लोग पूरे देश में धूल चटा देंगे, पूरा देश में आप लोग धूल चटा। आखिरी बात एक बात बोल देता हूँ, जब नीतीश कुमार जी ने जब धक्के मार के जीतनराम मांझी को निकलवा दिया था मुख्यमंत्री के पद से, वो का समय भूल गई है लोग। मैं फिर से कहूँगा कि महत्वाकांक्षा, वो भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि अपनी बेइज्जती भी लोगों को याद नहीं रहता है। चिराग पासवान जी, हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी की नीतीश कुमार जी ने कभी बेअदबी से बात की थी, उसका नतीजा हुआ कि तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हमने, और आने वाले समय में इनका बिहार से कहते हैं नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले चिराग पासवान ने भी एक बयान दिए थे और उसमें बीजेपी पे वो आरोप लगा रहे थे कि भाई हमारा सामान वगैरह सब कुछ फेंक दिया गया था, उस समय भी तुमकी बेइज्जती हुई थी, क्या हुआ था कि नहीं? देखिए ना, इनसे क्या अब हम बात करें। आपको हाल ही में जो रामविलास जी का, स्वर्गीय रामविलास जी का जो तस्वीर था मकान में जो रखे हुए थे अपने फ्लैट में, उस तस्वीर को तोड़कर इस लोड पर लुटका दी, इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकता है? और उसके बाद बीजेपी में मिलने जाते थे ये लोग, मांस विमान बेचने का पहले से भी आदि है, आज भी तैयार हैं। दोनों कोई बराबर है? नहीं नहीं, पहले पूरी बात की जानकारी रखें फिर बात करें। वो जब 12 जनपद का बंगला था उसको ऐसे भी खाली करना था, सामान जब हटाया जाता है सामान वहाँ रखे हुए थे वहाँ पर, और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी उसको बेहतर ढंग से हैंडल कर सकती थी। और जहाँ तक बात आती है अपने स्वाभिमान की, वो समझौता ना हमने पहले किया था ना बाद में करेंगे, यही करना होता 2020 में जो 15 सीटें हम लोग को मिल रही थी मिल जाते हैं और बढ़िया से मंत्री बन के उसमें से 15 में से 12 जीत जाते, लेकिन वो काम नहीं किया। चिराग पासवान जी ने सड़क को अपनाया, जनता के बीच में पहुँचे। आज कारण यही है कि बिहार की जनता चिराग पासवान की तरफ देखती है। कभी आपने सुना है कभी जीतन राम मांझी या तेजस्वी यादव, एक सर्वे आप करा लें चाहे तो, कि बिहार की जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी? तो कहते हैं ना कि हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, करवा के देख लें आप। चलिए, तो अभी के लिए ये डिबेट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से हम इन लोगों से बात करेंगे और भी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। विनीत सिंह, जैसा कि कह रहे हैं कि आप एक सर्वे तरह की करवा लीजिए और देखिए कि लोग किसे पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, चलिए हम भी जनता के पास जाएंगे और उनका भी ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो किसका चेहरा देखना पसंद करते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।